अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं जी वर्ल्ड कप के मुतालिक। जो गुज़श्ता मैच हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, तो उसमें से जो है काफी सारे जो DRS के मुतालिक कंट्रोवर्सी निकल के आ रही थी आपके सामने। जो है वो सब पहले जो वंडर डोसन जो है LBW आउट हुए, वो भी जो है अंपायर कॉल थी, उसकी इम्पैक्ट भी अंपायर कॉल थी, विकेट हिटिंग जो था ऑप्शन वो भी अंपायर कॉल था। फिर उसके बाद जो है वो जो उनके लेग स्पिनर है तबरेज शमसी, जब वो बैटिंग करने के लिए आया, जो आखिरी विकेट थी, अगर वो आउट हो जाता तो शायद वहां पर पाकिस्तान जो है मैच जीत सकता था। उसको भी जो है उन्होंने अंपायर ने जो है नॉट आउट दिया, लेकिन जब चेक किया तो वो बहुत ही क्लोज लग रहा था। देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो है भी वो आउट है, लेकिन वहां पर जब वो DRS लिया गया तो पाकिस्तान ने जब रिव्यू लिया तो उसके बाद वो शो हुआ कि वो विकेट जो विकेट हिटिंग हो रही थी वो थोड़ी सी मतलब वहां से वो एंगल थोड़ा उसका चेंज हो रहा था। लेकिन उससे जो है ये हो रहा था मसला कि अब देखने में तो वो इस तरह लग रहा था जैसे वो आउट है, लेकिन उसके बाद जब जो है DRS का लिया गया तो DRS में जो है वो जो विकेट क्लिपिंग होती है वो आउटसाइड ऑफ हो गई थी, लेग साइड पे हो गई थी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने जो रिव्यू लिया था, रिव्यू के बाद वो अंपायर कॉल हो गई थी। इस पर जो है काफी सारे साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ट्वीट किए, उसके ऊपर जो है हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया, जो ट्वीट हम आपको दिखा भी दे। तो उनका कहना भी यही था कि जो है ये जो आखिरी विकेट था ये रिव्यू था, ये पाकिस्तान को जो है मैच हारने की सूरत में उनको कॉस्ट करना पड़ा। लेकिन फिर उनके ट्वीट में जो है साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज जैक कैलिस ने भी यही ट्वीट किया, शायद जो वन डाउन ओपनर उनके बल्लेबाज आते हैं वेंडर डसन, उनको भी यही कॉस्ट हुई, उनको भी आउट हो दिया गया, हालांकि वो नॉट आउट था। तो लगता यही है कि DRS का जो सारा ये प्रोसेस होता है ये 100% तो एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इसमें जो है काफी ज्यादा जो है इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में आपने काफी सारा जो है मैचेस में देखा होगा कि DRS जो मेथड है, उससे पहले एक जो डेविड वार्नर का उन्होंने आउट दिया था वो भी उससे नाखुश थे कि वो जो है, तो उसमें भी जो है आपको देखने को वो मिला कि डेविड वार्नर जो अंपायर की जो फैसला था उससे नाखुश थे। टेक्नोलॉजी जो ये है DRS की ये फुली एक्यूरेट तो नहीं है, तो इसका लागू जो है 2008 में जो हुआ है इसका लागू हुआ क्रिकेट में, तो ये सारा मसला चल रहा है। अब देखते हैं कि ICC की इसके ऊपर कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो है बाकी मैचेस 3 होने वाले हैं, बांग्लादेश के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ तो हो गया लास्ट मैच, उसके साथ न्यूजीलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ। तो इन 3 मैचेस में से अगर पाकिस्तान 3 मैच जीत जाता है तो फिर जो है पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं कि वो टॉप 4 में जगह बना सकता है, सेमीफाइनल खेल सकता है। अगर ये है न्यूजीलैंड की जो है 3 मैच रहते हैं, उसमें से न्यूजीलैंड पहले तो पाकिस्तान जो है अपने 3 मैच जीते हैं, न्यूजीलैंड अगर साउथ अफ्रीका से हार जाता है, न्यूजीलैंड 1 मैच हार जाता है और 1 पाकिस्तान से हार जाता है, तो उसके जो है पॉइंट है वो भी 10 हो जाएंगे। और अगर वो 1 जीत जाता है पाकिस्तान के पॉइंट, अगर ये 3 जीतता है तो 10 हो जाएंगे। जिससे ये है पाकिस्तान को जो मैच जीतने पड़ेंगे वो रन रेट भी बेहतर करनी पड़ेगी अगर सेमीफाइनल खेलना है पाकिस्तान को। तो उसके अलावा जो है इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो है आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। उसमें पिछली दफा जो है जो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी थी उसका जो चैंपियन था वो पाकिस्तान बना था सरफराज की कप्तानी में। इस दफा जो है चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है उसका होस्ट जो है पाकिस्तान करने वाला है। तो जो मुल्क होस्ट करता है जो कोई भी टूर्नामेंट हो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो पाकिस्तान की टीम तो होगी इसमें, इसके अलावा जो 7 टीम है वो 7 टीम इसी वर्ल्ड कप में जो पॉइंट टेबल होगा जो टॉप की टीमें होंगी वो ही सिलेक्ट होंगी। अगर जिस तरह आपने देखा कि ये इंग्लैंड की टीम अभी पॉइंट टेबल पर बॉटम में, अगर इंग्लैंड की टीम जो है ये टॉप ऊपर नहीं जाती, अपने बाकी मैच नहीं जीत पाती, तो ये जो है हो सकता है कि आने वाली जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें ये क्वालिफाई ना कर पाए। तो देखते हैं अभी का मैच अभी बाकी है, अभी 3-3, 4-4 मैच बाकी है टीमों के, कम बैक कर सकती है टीमें, कुछ भी हो सकता है। तो ये चैंपियन ट्रॉफी के लिहाज से भी ये जो टूर्नामेंट है ये टीमों के लिए क्वालिफाई करने के लिए अहम है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बाकी इस तरह की जो भी क्रिकेटिंग न्यूज हो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत है।